नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन बरी की मठरी। तो देखिए ये सोयाबीन बरी है, तो इसका मैं सूखा पीसी हूँ बिना भिगोए। 100 ग्राम मैं बरी ली हूँ, इसको मैं मिक्सी में पीस दी हूँ जार में। ये देखिए पीस कर ये 1 कप हुआ है, इसी से 1.5 कप मैं आटा लूंगी। इसी से 1.5 कप में हम आटा लिए हैं। ये देखिए कुटी लाल मिर्च है, कलौंजी है जिसको मंगरेला भी बोलते हैं, जीरा है, ये सादा नमक है, ये हींग है और ये अजवाइन है। आप चाहें तो हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं। मैं कसूरी मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी हम हाथ से मसल कर उसके बाद डालेंगे, नहीं हो तो धनिया भी छोटे छोटे टुकड़े में काट कर आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आटा गूंथते हैं, घी को पिघला देते हैं। मोयन में आप घी ही डालिएगा, इससे खास्ता होगा। ये आटा है, वजन में 150 ग्राम है। वरी है जो पीसा हुआ है, आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी हींग आधा टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक, जितना आप नमक खा सकते हैं उतना ही डालिएगा। कलौंजी डालिए, कलौंजी से स्वाद बढ़ता है, कलौंजी डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी जीरा आधा टीस्पून, लाल मिर्च है, कसूरी मेथी को हाथ में मसल कर उसके बाद डालिए, अच्छी तरह से मिलाकर अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर देते हैं। देखिए ऐसे बन गया, समझिए कि मोयन सही पड़ा है। पानी का छिड़काव देकर इसको आटा ज़्यादा पूरी तरह नहीं करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे, पानी का छिड़काव दे देकर आटा गूंथिएगा। देखिए न ज़्यादा टाइट है न ज़्यादा गीला है, इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद जिस आकार में आपको बनाना है उस आकार में बनाइए। चलिए अब बेलते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, बेल कर रख लेते हैं। मैं लंबा लंबा बना रही हूँ,
गोल मटे तो बनाते ही, लंबा में बना रहे, ज्यादा मोटा नहीं करेंगे। साइड साइड से काट लेंगे, जितना चौड़ा चाहिए आपको, गोल बनाना है तो गोल बना सकते हैं, जो नकार दे दीजिए, कोई भी आकार देकर बना सकते हैं। देखिए इतना मोटा बनाना है। अब आप धीमे कर तलिएगा। चलिए बन गया है, अब गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन कर दिए, अब इसको तलेंगे मीडियम आंच करके। आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए, थोड़ा काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला डालकर उसको निकालिएगा तो ऊपर से छिड़क देंगे। मैं बताती हूँ, तेल डालते हैं, मटरी चटपटा बनाना है तो काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च ऐसे मिक्स करके रख लीजिए। जब मटरी तल के निकालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। देख लेते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो गया है, इसमें सब डाल देंगे। मीडियम आंच करके इसको तलेंगे। आपको मीडियम कर देते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ब्राउन हो गया है, एक तरह पार हो जाएगा, इसके बाद निकाल लेंगे। चलिए हो गया है, इसको निकाल देते हैं। देखिए जैसे निकालिएगा इसको ऐसे फैलाकर ये ऐसे भुरक दीजिएगा, जो चटपटा बन जाएगा, खट्टा तीखा मटरी ऐसे करके भुरक दीजिएगा, चटपटा हो जाएगा। और बाकी बना लेते हैं। मीडियम आंच करके धीरे धीरे बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा है, इसको सीजने में भी टाइम लगेगा, आटा का है
मैदा का रहता तुरंत हो जाता, आटा का धीमी आंच में ही बनाएंगे। ये भी हो गया है, इसे भी निकाल देते। ऐसे निकाल कर तुरंत गरम गरम में ही ये चाट मसाला, लाल मिर्च, काला नमक डाल दीजिएगा, अच्छा टेस्ट लगेगा, तीखा खट्टा नमकीन, ऊपर से मसाला हो जाएगा। चलिए बाकी और तल लेते हैं। चलिए देखिए कितना चटपटा तीखा मठरी है, आप जरूर बनाइए। देखिए खास्ता भी है, देखिए कितना खास्ता और हेल्दी भी है, प्रोटीन इसमें है, सोयाबीन डाला हुआ है तो प्रोटीन भी है, आटा का है, मैदा का है नहीं, देखिए एकदम खास्ता है बना हुआ, आप जरूर बनाइए, अब जरूर बनाइएगा, हेल्दी नाश्ता है, सफर उफर में बहुत काम आएगा, तीखा भी है चटपटा भी है, तो आप सफर कहीं जाइए तो जरूर बना के ले जाइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।